बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा शिवलोक परिसर में स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। हम दिखाना चाहेंगे, यह शिवलोक परिसर है और यहाँ पे स्वदेशी मेला 2021 का यहाँ पे लगाया गया है। ये स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे स्थानीय लोग पहुँच रहे हैं और मेला का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरा मेला परिसर में हम चलते हैं कि किस तरह लोग इस मेला का खरीदारी कर रहे हैं, मेले में खरीदारी कर रहे हैं, मेला का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में काफ़ी स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुँचे हुए हैं और इस जो दुकानें जो लगी है विभिन्न तरह के जो स्वदेशी वस्तु से बनी जो सामानों की जो दुकानें लगी है उसमें कई लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ स्वदेशी वस्तुओं का जो है खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें लगाई गई है, यहाँ लोग चाट का भी आनंद ले रहे हैं और खाने पीने का भी आनंद ले रहे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और किस तरह से आनंद ले रहे हैं हम आइए पूछते हैं। जी बताइए, स्वदेशी मेला का किस तरह का आनंद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ बहुत सारा आइटम लगा हुआ है, इसी को हम लोग परचेज करने आए हैं। क्या देख रहे हैं, 100 रुपया में सब कुछ मिल रहा है, ये सब देख के हमको अच्छा लग रहा है। अभी अभी आए हैं, अन्य लोगों से भी हम पूछेंगे कि स्वदेशी मेला का जो है आए हैं उसका किस तरह। जी मैडम बताइए, स्वदेशी मेला में आए तो अन्य लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं भी हैं। जी मैडम थोड़ा सा बताइए, स्वदेशी मेला आए हुए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। क्या चीज अच्छा लग रहा है, स्वदेशी वस्तु में बिक रहा है? हाँ हाँ अच्छा है। खरीदने के लिए आए हैं? जो पसंद होगा देखेंगे ले लेंगे। इस तरह का जो मेला का आयोजन हुआ है कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, होना भी चाहिए। इस तरह देखने के बाद परिवर्तन होता है लोगों में, क्या है नहीं है चीज पे। तो आपने सुना कि यहाँ पे लोग जो है हर कोई स्वदेशी वस्तुओं का पसंद करते हैं, इसलिए स्वदेशी से बनी वस्तु खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। यहाँ काफी आप देख सकते हैं, यहाँ युवा लड़की लोग भी हैं, इनसे बता दे। जी बताइए, स्वदेशी मेला का कर रही है खरीदारी? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है स्वदेशी मेला देवघर में? बहुत अच्छा है। क्या खरीदारी आप कर? जो जो पसंद आ रहा है सब अच्छा लग रहा है मेले का। स्वदेशी मेला का जो है काफी लुत्फ उठा रहे हैं, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी जो है काफी आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं स्वदेशी वस्तु जो यहाँ पे काफी संख्या में, ये चटाई है, यहाँ चटाई अभी है और हर तरह का मैट है ताकि लोग अपना घर का सौभाग्य वस्तु जो स्वदेशी से बनी है उसकी खरीदारी कर सकते हैं। अन्य लोगों से भी जाएंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या चीज का स्टॉल लगा हुआ है और किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, कितना आनंद उठा रहे हैं इस मेले का। इसका हम आप दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कितना स्वदेशी से बनू सब ये सारा देखिए, यहाँ कपड़े परिधान जो है, वस्त्र जो है, कई स्टॉल खादी से बनी हुई वस्तुएं हैं, कपड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग जो है यहाँ लकड़ी के जो है कास्ट का जो होता है वह स्वदेशी से बना जो ये वस्तु है, आप देख सकते हैं ये सब स्वदेशी लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि महिला से लेकर पुरुष, साड़ी हो या शर्ट हो या पेंट हो या सभी तरह के जो भी कपड़े होते हैं, वस्तुएं हैं, सबका ये आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये घर का सजावटी के लिए काफ़ी चीज़ें या वस्तुएं लगाई गई है इस मेले में। लकड़ी का सामान हो या साड़ी हो या परिधान हो या कपड़े हो, सभी यहाँ देसी स्वदेशी से बनी है। और ये देखिए अगरबत्ती का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या यहीं का बना हुआ जी? ये देवघर का बना हुआ है और हम लोग बेसिकली 22 साल से सर्विस दे रहे हैं लेकिन अब घर पे अगरबत्ती पहुँचाने का काम शुरू किया है। अब सोचा है कि जो गांव-गांव में महिलाएं लोग होती हैं उनको भी रोज़गार ज़्यादा दे पाएँ, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है।
ताकि लोग और जाने और लोग अभी तो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं बैंगलोर या फिर मुंबई के अगरबत्ती यूज़ करते हैं अहमदाबाद का, लेकिन अब जो देवघर में वही वैसा ही क्वालिटी हम लोग देवघर में दे रहे हैं उससे बेस्ट चीज़ भी दे रहे हैं और सस्ते में, इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रचार करने वाले हैं। देखा कि स्वदेशी अगरबत्ती है यहाँ आकर इस मेले में आकर स्वदेशी अगर से बनी स्वदेशी से बनी वस्तु खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे कि किस तरह का जो है इस मेले का लाभ उठा रहा है, किस तरह का इस मेले का, इधर आप दिखाइए थोड़ा सा, दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, चाहे ये कपड़ा का हो या साड़ी का हो या जो भी परिधान है। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइए, आप लोग स्वदेशी मेला का आनंद ले? हाँ। कैसा लग रहा है देवघर में इस तरह का आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए क्या क्या लिए हैं? अभी तो आई है, बस अभी देख रहे हैं, समझ में आएगा फिर लेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, और जी बताइए क्या चीज मेला का कैसा लग रहा है? ये मेला जबरदस्त जबरदस्त। क्या क्या खरीदने के लिए आए? जो जहाँ तक पॉकेट रहेगा सब खरीदेंगे, जब मेला में आए तो सब खरीदेंगे। आप क्या चीज लेने के लिए आए हैं? बेंत का फर्नीचर। हम तो बेंत का फर्नीचर बेचने के लिए आए हैं फिलहाल। चलिए, ये दुकानदार है, ये बेंत का फर्नीचर बेचने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ देख सकते हैं ये सारा बेंत का बना हुआ, लकड़ी का बांस का सर, ये सारा बांस का बना हुआ है सारा वस्तु, और काफ़ी खूबसूरत जो है स्टोर लगाया गया। सोफा सेट भी यहाँ पे है और टी टेबल सहित ये सारे फर्नीचर जो है बांस के यानी स्वदेशी से बनी हुई है, असम और त्रिपुरा से स्वदेशी से बने हुए वस्तु है, हमारे देश की सारी वस्तु है, और यह सामान जो है लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, काफ़ी उत्सुक हैं लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है उसका लोग आनंद ले रहे हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, इस मेले का आनंद लुप्त उठा रहे हैं। अब हम आगे भी चलते हैं अन्य स्टॉल की ओर, दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, इस तरह से लोगों में खरीदारी को लेकर स्वदेशी वस्तु को खरीदारी के लिए कितना उत्साह है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शिवलोक परिसर में अभी हम मौजूद हैं, हम दिखा रहे हैं कि स्वदेशी से बनी सारी वस्तुओं को यहाँ स्टॉल 110 लगाए गए हैं, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे एक से एक स्टॉल भी है और काफ़ी वस्तुएं भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता से लगाए गए ये सारा स्टॉल है, यहाँ पे लोग काफ़ी परचेजिंग भी कर रहे हैं और एक से एक यहाँ पे वस्तुएं यहाँ पे मौजूद है। हमारे बीच एक अन्य है जो संतोष पासवान जी यहाँ पे मौजूद है, शायद मेला के लिए आए हैं। जी बताइए, ये जो मेला लगा है किस तरह का मेला लगा है, क्या लग रहा है? ये स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ मेला आयोजित किया जाता रहा है, और आज भी यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ अपने कला का प्रदर्शनी कर रहे हैं, प्रदर्शनी में और काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ। स्वदेशी जागरण मंच के हमारे आदरणीय मनोज जी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आयोजित किया है कार्यक्रम को, हमारे गार्जियन गुंजन सर भी हैं, सारे लोग मिलजुल करके ये बहुत अच्छा है। ये देवघर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लोग जो है यहाँ आते हैं, आकर्षित होकर के यहाँ से बहुत सारे सामान भी देखते हैं, अच्छा अच्छा कला का प्रदर्शनी होता है, और हम सबों का भी सहयोग यहाँ हमेशा रहता है, और आगे आने वाले समय में भी इसको और बेहतरीन ढंग से किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। स्थानीय स्कूल के प्रचार हैं राम सेवक गुंजन भी मौजूद है, इससे भी हम जी सर यहाँ पे जो स्वदेशी वस्तुओं से निर्मित यहाँ पे जो मेला लगाया गया और इसको किस रूप में आप देखते हैं? 3 दशकों में स्वदेशी जागरण मंच के तहत जो एक सार्थक पहल की गई है स्वदेशी भावना को जागृत करने के लिए, वस्तुओं के प्रति देशवासियों में एक रुझान पैदा करने की जो कोशिश की गई है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आज यहाँ इस मेला परिसर में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी उत्पाद हैं, स्वदेशी उत्पाद हैं और सबकी गुणवत्ता अपने आप में परिपूर्ण है, किसी भी विदेशी वस्तु से सुपीरियर कर सकते हैं, इन्फीरियर नहीं है। हम लोगों को चाहते हैं कि अपने देश के इन गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की तरफ आकर्षित हों और स्वदेशी भावना को एक ऊंचाई प्रदान करें। हम देख रहे हैं सर कि हमारे देश में आज भी काफ़ी विदेशी वस्तुओं को हम लोग अपना घरेलू जीवन में शामिल कर लिए, अपने जीवन में शामिल कर लिए, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सारे देशवासियों के कहना चाहेंगे कि हम दूर का ढोल सुहाना,
हम सिर्फ बाहरी वस्तुओं की ललक में पड़ जाते हैं और उसकी गुणवत्ता को देखते नहीं, दाम भी अधिक देते हैं, पैसा भी देश चला जाता है। और अपने देश की वस्तुएं प्राचीन काल में भी गुणवत्तापूर्ण थी दूसरे देशों की तुलना में, और दूसरे देश वाले हमारे देश के कपड़े ले जाते थे, यहाँ से मसाले ले जाते थे वस्तुएं, और आज भी हमारी वस्तुओं को यदि हम खुद ही तरजीह देंगे तो दुनिया वाले इसके दीवाने होंगे। देशवासियों से अपील है कि स्वदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित हों, विदेश का मोह छोड़ें, अपने देश की चीजों पर विश्वास करें। इन्होंने साफ कहा कि जो है विदेशी वस्तुओं का मोह छोड़ें और हमारे जो स्वदेश से बना वस्तुएं हैं उनको खरीदारी करें, उनको अपने जीवन में लाएं, जिससे हमारा देश का आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ और मजबूत होगा। और हमारे बीच यहाँ पे जो मेले का आयोजन किया गया है और उसके मेले का आयोजक जो स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक जिला संयोजक मनोज सिंह है, इनसे बात करेंगे जी। क्या उद्देश्य है और कितने साल से लगा? स्वदेशी वस्तुओं को देखकर आत्मविश्वास बढ़ता है लोगों में, लोगों में अब लगने लगा है कि आज वो दिन विगत के हो गए हैं, भूत हो गए, भूतकाल के हो गए हैं। विदेशी वस्तुओं पर हमारा सब कुछ निर्भर करता था। एक समय था जब प्राचीन काल में हमारी वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में या अन्य किसी भी मामले में किसी भी विदेशी वस्तुओं से कहीं अधिक था, लेकिन बीच का जो कालखंड था वो बीच में हमारा कहीं हरासमेंट हुआ किसी भी कारण से, लेकिन अब पुनः स्वतंत्र भारत में हमारी सरकार ने साथ ही साथ यहाँ की जनता ने उद्यमियों ने परिश्रम करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया स्वदेशी वस्तुओं का। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करेंगे कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें, जिससे कि समाज आर्थिक रूप से संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो, भारत आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न हो। क्या लग रहा है, सार्थक हो रहा है इसका? बिल्कुल सार्थक होते हुए नजर आ रहा है। स्वदेशी मेला का जो उद्देश्य है बिल्कुल इस स्वदेशी मेला के आयोजन से सार्थक होते हुए नजर आता है। भारत के कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, कई राज्यों से यहाँ उद्यमी बंधु अपने अपने यहाँ के परंपरागत स्वदेशी वस्तुओं को, परिधानों को, साज सजावट के सामानों को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और लोग यहाँ पर खरीदने में भी रुचि ले रहे हैं, और इस तरीके स्वदेशी के प्रति लोगों का आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। क्या नहीं लग रहा कि हम लोग अगर स्वदेशी वस्तु, हमारे स्वदेश से बनी वस्तुएं हैं, उनकी अगर खरीदारी करें, अपन जीवन में उसको लाएं, तो निश्चित तौर पर हमारे देश का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा, साथ ही साथ स्वरोजगार के भी अवसर होंगे, हमारे जो भी बेरोजगारी है उसको भी दूर होगा। क्या लग रहा है? बिल्कुल, यदि हम स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा, उद्यमी बंधुओं को एक शक्ति मिलेगा, और जब उद्यमी बंधु जब ये उत्पादन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी भी दूर होगी और इस तरीके से समाज एक संपन्न खुशहाल होगा। एक बार फिर हम चलेंगे संतोष कुमार जी के पास जो जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी हैं, और जी बताइए क्या लग रहा है इस मेला का, कितना उपयोगिता सार्थक हो रहा है? देखिए, स्वदेशी वस्तुओं को लोग अपनाएं और स्वावलंबी बने, इसके लिए ये मेला लगाया गया है। लोग यहाँ तरह तरह के चीज जो कि स्वदेशी भावना से बनाया गया है, इसको लोग आ भी रहे हैं, यहाँ पर लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, और हम लोगों की यही भावना है कि आने वाले समय में इसको और बेहतर ढंग से बनाया जाए, गांधी जी का सपना को साकार करें, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को छोड़ करके अपनी संस्कृति और सभ्यता को ज्यादा आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों ने पूरा जोर दिया है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ कोलकाता से भी यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, और ये काफी अलमीरा, छोटी छोटी अलमीरा है, गैस है और चिमनी जो है सारा घरेलू निर्मित है। हम बता पूछना चाहेंगे, हम कोलकाता से आ रहे हैं, क्या क्या चीज आप स्टॉल में लगाए? हमारा स्टॉल में आएगा आपका एक्सचेंज ऑफर में दे रहा है, गैस स्टोव दे रहा है और किचन चिमनी दे रहा है एक्सचेंज ऑफर में। यहाँ पे आपका किचन अलमारी है, किचन रैक है, इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और स्वदेशी चीज जो है आपका हर साल में हम लोग लाते हैं और इसमें हेवी डिस्काउंट देते हैं, ठीक है? तो जो भी चीज है आपको यहाँ पे डिस्काउंट में मिलेगा, हर मतलब ये स्वदेशी मेला में स्वदेशी चीज उपलब्ध कीजिए आप लोग। ये सारा जो जो लगाए हैं स्टॉल, ये जो सारा सामान है क्या हमारे देश में ही बनी हुई है या कुछ विदेशी लोकल चीज है? हम लोगों का चाइनीज कोई प्रोडक्ट नहीं है, बाहर का चीज नहीं है, कोई सब लोकल प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट भी हम लोग बेचते हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पे कई लोग हैं जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, स्वदेशी मेला का आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं, काफी आनंद ले रहे हैं, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी इस मेले का आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि खाने पीने तक की सामग्री की व्यवस्था यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, और काफी एक अन्य शख्स है, इनसे हम बात करेंगे। अगर इकोनॉमिक्स देश का तगड़ा होगा तो पूरा विश्व के मामले में आज हजारों साल पहले भी भारत विश्वगुरु था और फिर भी विश्वगुरु बनने का एक नया मुकाम पे, पायदान पे भारत पहुंचेगा।
और उसी लिए सारे देवघर वासियों को मेरे तरफ से एक निवेदन है कि इस मेले में आए और अपने देश के अपने भाई बहनों और अपने परिवारों का बनाए हुए बस्तियों को खरीदारी करके अपने देश अपने परिवार और खुद को सक्षम बनाए। इन्होंने सीधा कहा कि अगर हमारा देश में अगर स्वदेशी जो वस्तुएं बनी है उसकी अगर खरीदारी करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसको लाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा देश का आर्थिक विकास होगा, हमारा जो सुदृढ़ होगा देश। अगर विदेशी वस्तुओं का जो है हम बहिष्कार करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा देश सशक्त होगा। कि लोगों को हमारे देश के वासियों को स्वदेशी वस्तुओं को खरीदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी मेला में स्वदेशी चीज लगा है, अपने हाथों से बनाया हुआ चीज लगा हुआ है, इसलिए हम सबों को लेना चाहिए। वस्तुओं का खरीदारी करते हैं तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, विदेशी सामग्री यहाँ है, हम अभी तो देखे नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि स्वदेशी चीज को हम खरीदते हैं तो हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा टोला आगे बढ़ेगा, इसलिए हमें स्वदेशी चीजों का यूज करना चाहिए। उन्होंने साहब कहा कि अगर स्वदेशी से बनी वस्तुएं हम लोग खरीदारी करते हैं तो जाहिर सा बात है कि हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति है मजबूत होगी। जी कहाँ से आप लोग हैं? जी हम लोग बनारस से। आप लोग बनारस से? जी जी। तो आपके स्टॉल में क्या क्या खासियत है? बनारस में हम लोग का जो बनता है सर, एक हाथ का बना हुआ प्रोजेक्ट है ये, तो हम लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है, इसीलिए बाबा धाम में हम लोग हमेशा आते रहते हैं। ये स्वदेशी मेला लगा है, क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छा है, कम रेट में सब आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, ले रहे हैं। स्वदेशी मेला सब देश का है, अपना देश का है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा घर के सजाने के लिए बनाया गया फूलदान है ये सब, और ये सब लकड़ी का बना हुआ, यानी स्वदेशी से बनी हुई निर्मित है। यहाँ पे कई चीज है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है ज्वेलरी जो होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसका भी यहाँ पे महिला लोग लुत्फ उठा रही, खरीदारी कर रही है। खादी ग्राम उद्योग से भी यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, खादी के भी कपड़े मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी कप सेट, ये सारी ग्लासेस सब स्वदेशी वस्तुएं, यही अपने देश में बनी हुई वस्तुएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाओं के लिए परिधान साड़ी सभी कुछ यहाँ पे बिक्री हो रहा है, और काफ़ी लुत्फ उठा रही है। यहाँ पे युवा लड़की लोग भी काफ़ी लुत्फ उठा रही हैं, काफ़ी आनंद ले रही हैं स्वदेशी मेला का, और हम अपना दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए महिलाएं लोग साड़ी खरीदारी कर रही है, काफ़ी इंजॉय कर रही है स्वदेशी मेला का, और काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें आप एक स्टॉल नहीं पूरे 110 स्टॉल लगाए गए, अलग अलग स्टॉल बिहार झारखंड से भी लगाए गए। क्या क्या लगाए हैं? लखनऊ चिकन के सूट हैं, साड़ी है हमारे पास में, और प्लाजो है, पैंट है, और सूट पीस हैं, बहुत सी वैरायटी हमारे पास में लखनऊ चिकन की है सर। ये सब हाथ काम से बना हुआ है, काफी हाथ से बना हुआ है, सब कारीगरी किया हुआ है। ये लखनऊ से ये स्टॉल लगाया गया है, काफी खूबसूरत अच्छी साड़ी शॉल आपका सूट सभी कपड़े यहाँ पे चिकन कारीगरी का नमूना है ये लखनऊ का, और काफ़ी खूबसूरत आप देख सकते हैं, ये साड़ी भी काफ़ी खूबसूरत है। लोग यहाँ पे काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं, और हम अब अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप देखिए यहाँ पे सहारनपुर से ये लकड़ी का बना हुआ यहाँ पे फर्नीचर है, टेबल है, सारा कुछ सोफा है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ही मेला में यानी स्वदेशी मेला में आकर लोग अपना परिचय कर सकते हैं, कोई भी स्वदेशी से बनी अपनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम सहारनपुर से हैं सर। जी क्या क्या चीज़ लगाए हैं यहाँ पे? पास डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, सोफा है, बेड है, और झूला है, छोटा काउंटर आइटम है। और हमारा, मैं सब ये देवगढ़ वासियों से ये कहना चाहूँगा, जो मैं सामान लेके आया हूँ मेरा जो है प्योर शीशम और सागवान का है। जो भी परचेसिंग करना है पहले चेक करा लीजिए, अपना मिस्त्री को साथ में लेकर आइए, उसके बाद में खरीदिएगा, प्योर शीशम और सागवान का है। कम से कम बात किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जाए, कितना में परचेज कर सकते हैं कोई भी सामान, वस्तुओं का दाम सबसे कम? जो आपके यहाँ पे अगर आप मिस्त्री से बनवाएंगे कम से कम 70-80 हज़ार का आपको बेड दीवान मिलेगा, हमारे यहाँ 40 हज़ार रुपये का मात्र है। इस डाइनिंग टेबल की बात किया जाए तो कितना?
ये वाला जो डाइनिंग टेबल अगर आप यहाँ पे बनवाते हैं हम इस तरीके से कम 1,20,000 रुपए में ये बनेगा, 6 चेयर के साथ में, और हम इसको दे रहे हैं सिर्फ 65 का, डिस्काउंट में 59 का हम ये दे रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो डाइनिंग टेबल है ये 59,000 में अवेलेबल करा रहे हैं, और ये सारा लकड़ी शीशम और सागवान से बना है। सारा जो आप फर्नीचर देख रहे हैं, जो भी पलंग है, दीवान है, जो भी डाइनिंग टेबल है, सब यहाँ पे बना हुआ है, और सभी कुछ यहाँ पे ये सहारनपुर से आए हैं और ये सब स्टॉल लगाए गए हैं, और कई बिहार झारखंड सहित कई स्टॉल यहाँ पे लगाए गए बिहार झारखंड से। और आप देख सकते हैं ये पूरा परिधान का कपड़े का जो है स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी इस मेले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यह मेला 11 मार्च तक चलेगा, और इस मेले में कई लोग हैं। जी बताइए, स्वदेशी मेला घूमने के लिए आए हैं जी, तो कैसा लग रहा है इस मेले का, जो जितने स्टॉल लगाए गए हैं, क्या क्या कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, देख रहे हैं सब, मतलब मैंने यहाँ का लोकल देसी मैंने राज का जो बना हुआ है वही बनाया गया है, उसी को यहाँ पे मतलब सब लेके आया है, बेच रहा है। तो स्वदेशी वस्तु यहाँ पे बना है, लोग यहाँ काफी पसंद कर रहे हैं, अन्य लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, स्वदेशी मेला आए हैं? हाँ जी। तो क्या क्या चीज खरीदी है यहाँ? अभी तो सिर्फ इयररिंग्स। अच्छा, और बस कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, और एक अन्य महिला है, इनसे बात करेंगे। जी, स्वदेशी मेला आए हैं जी? ये मेला का जो देवघर में आयोजन हुआ है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि आपको एट ए टाइम सब जगह नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे आने से आपको मिल गया, जहाँ नजर दौड़ाइएगा आपको दिखेगा, जो आपको पसंद ले सकते हैं। तो स्वदेशी चीज से बनी यहाँ सारी वस्तुएं हैं, तो ऐसे में क्या कुछ समझ में आया, कुछ पसंद आया अभी तक? फिलहाल तो अभी जस्ट आए हैं, देख ही रहे हैं, देख के फिर बताएंगे। मतलब अपना देश में जो हैंडमेड बना रहता है, क्राफ्ट को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है, जो बना हुआ है अपने देश को बढ़ावा। एक अन्य लोग से भी बात करेंगे। जी बताइए, स्वदेशी मेला का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, कितना? ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये मौका मिला है कि हम लोग अपने देश का बना हुआ चीज़ ही यूज़ कर सकते हैं, हम लोग विदेश का सामान नहीं यूज़ करके अपने देश का सामान यूज़ करेंगे, और एक से एक अच्छे चीज़ अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, एक से एक सामान सब मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे तरह के, बहुत क्वालिटी, बहुत प्रोडक्ट सारे मिल रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा है, टेबल है, फर्नीचर है। बहुत तो लगता है कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्या लगता है इसे? बस यही बात तो है कि विदेशी छोड़ के हम लोग स्वदेशी अपनाएं, इसलिए तो ये मेला हम लोग के लिए ही लगाया जाता है, और हम लोग आकर कुछ खरीदे, कुछ ले जाए, तब तो अपना घर का चीज अपने घर में ही रह जाएगा। इनका सीधा कहना है कि अगर स्वदेशी वस्तुओं का अगर हम लोग खरीदारी करते हैं उसका हमें फायदा मिलता है, अगर सिर्फ विदेशी वस्तुओं खरीदते हैं तो उसका फायदा विदेशी लोगों को मिल जाता है। अन्य लोगों से हम बात करेंगे। जी, स्वदेशी मेला आए हुए हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या क्या चीज खरीदारी की है? खरीदे अभी बच्चे लोग को खाली खिलाए हैं। देखिए ये बच्चे लोग हैं, अभी आइसक्रीम का लुफ्त उठा रहे हैं स्वदेशी मेला में, और आइसक्रीम खा रहे हैं, यहाँ पे लगाया गया है। तो क्या कुछ अभी तक समझ में आया, कुछ खरीदारी की है आपने? जी हाँ, मैंने ये पाचक खरीदा है जो काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने ये खरीदा ब्रश है, ये गैस चूल्हा का साफ करने वाला है वो है, बेडशीट पसंद आई है वो देख रहे हैं। यहाँ पे पुरुष है, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या स्वदेशी मेला में कुछ खरीदारी की है अभी तक? अभी इनके पसंद की चीजें जो होगी खरीद लेंगे, और तो मतलब जो पत्नी का पसंद होगा वो सब खरीद लेंगे, वो सरेंडर करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बोटिंग की अभी छोटी सी व्यवस्था है, छोटी टॉयज जो है, बोटिंग टॉयज जो है, यहाँ पे व्यवस्था की गई है, यहाँ पे इनकी मार्च में बच्चे लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यह मेला 11 मार्च तक चलेगा, और इस मेले में यहाँ पे दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ सभी तरह का आइटम्स यहाँ पे लगाए गए हैं, कुल 110 स्टॉल लगाए गए हैं, और सभी एक से एक, कुछ परिधान से हैं तो कुछ आप घरेलू सामान जितने भी घर में यूज करते हैं वो सारे यहाँ पे लगाए गए हैं, और इसका लुफ्त यहाँ के लोग, देवघर के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग के साथ साथ यहाँ से आसपास के इलाके से भी लोग आ रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं।